हिजड़े को लाकर छोड़ दिया हैदराबाद में। बीजेपी में कोई मर्दा नहीं मिले, इलेक्शन लड़ाने कोई औरत नहीं मिली। खैर वो क्या है मैं ज्यादा नहीं बोलता, कल यू एक्शन ले रहे यू कते तीर। अरे अम्मा हमारी तीर भूल गई तो तुम कहा जाते नहीं माने। अभी जरा ठहरो जी, कल भी तीर गड़बड़ कर रही। देखो आप हमारे मुस्तफा भाई और मजीदुल्लाह का फर्क, जब से सलीम भाई बैठे हुए थे ये किसकी कुर्सी है, ये गोल्डन पे कुर्सी पे। बस अब इससे ज्यादा नहीं बोलता भाई। सभी को जय श्री राम। मैं आप सबका भाई नितिन नंदगर, बीजेवाईएम सिटी प्रेसिडेंट हैदराबाद, भारतीय जनता पार्टी हैदराबाद के उम्मीदवार माधवी लता जी के ऊपर एनडीपी का एक लीडर है जिसे अभद्र भाषा में टिप्पणी की है। कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के पास मर्द नहीं है औरत को खड़ा करे। तो इस लीडर से कहना चाहता हूं, मर्द भी कोई डायरेक्ट पैदा नहीं होता है, औरत की कोख से ही पैदा होकर वो मर्द बनता है। और यकीनन हमारी झांसी के रानी के सामने तुम्हारी मर्दानगी इतनी अच्छी है तो मर्द बनकर मैदान में उतरो, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ो और अपनी मर्दानगी साबित करो जीत के कि हां तुम मर्द हो बोल के। हमारे पास काफी सारे मर्द है लेकिन हम उन नामर्दों के सामने उन लड़ाई को लड़ना चाह रहे जो हमारी झांसी की रानी तुम्हारे लिए काफी है। और याद रखो अभी तीर छुटा ले जिस दिन घुसा तब पता चलेगा। और मैं पुलिस डिपार्टमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसे लीडर जिस तरह से एक कैंडिडेट के ऊपर अभद्र भाषा में बात करना, इनको इमीडिएट इनके ऊपर केस बुक कर जेल में डालना और इलेक्शन के बाद तक इनको नहीं छोड़ना चाहिए। भारत माता की जय। जय श्री राम।